नमस्कार। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम मेरा वोट मेरा मध्यप्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मेरे पीछे जो आप मिंटो हॉल देख रहे हैं, वहां कभी बड़े बड़े सियासी दाव लगा करते थे, आज फिर सियासी दाव लगेंगे, लेकिन ये दाव जनता लगाएगी और दाव पे लगेंगे बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालेंगे रामेश्वर निखरा जी, दो बार लोकसभा सांसद रहे हैं और आजकल प्रदेश कार्यालय की कमान संभाल रहे हैं। बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालेंगे प्रभात झा जी, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ रहेंगे राजेश सिरोठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। झा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, बीजेपी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, शिवराज सरकार के वो तीन बड़े काम जिससे आपको लग रहा है कि आप सत्ता में वापस आ जाएंगे? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेक ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा से लेकर लाडली लक्ष्मी की बात हो, या स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बालिका की बात हो, या ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिला की बात हो, उसके सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है और उसे मैं गिनाऊंगा तो एक एक योजना पे बहस करनी पड़ेगी। दूसरा है किसानों के लिए जी, चाहे वो 150 रुपए का ब्याज हो या 0% का मामला हो, या 150 रुपए जो हमने बोनस दिया है समर्थन मूल्य पर। और तीसरा है कि ST SC और खास करके इन दोनों वर्गों के लिए एक नहीं अनेक निर्णय हुए हैं। जैसे यदि आपके हॉस्टल में जगह नहीं है और आप पढ़ने आए हुए तो आप जिस कमरे में रहेंगे उसका किराया मध्य प्रदेश सरकार देगी। इतना ही नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो या सरकारी कॉलेज में, तो इसका भी फीस मध्य प्रदेश सरकार देगी। अब ये जो चीजें हैं ये जाहिर करता है कि हम हर वर्ग में जाने की कोशिश की। हमने मजदूरों के लिए जो 5 योजनाएं हैं उसकी भी हमने बात की है। सिर्फ तीन बड़ी, इसीलिए मैं तीनों बड़ी बात बताई मैंने आपको जी। एक महिला आधी आबादी की बात कही आपने जी, और दूसरा आपने किसानों की बात कही, समीकरण की भी, किसानों की बात मैंने समीकरण भी आपने देखा है, किसानों की बात जी। आपने तीन दावे सुने बीजेपी के, तीन बातें आप बताइए, आप कांग्रेस वापस सत्ता में क्यों आए? मैं पहले आदरणीय प्रभात झा जी ने जो दावे पेश किए, दावे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कांग्रेस वापस सत्ता में क्यों लौटे? कांग्रेस सत्ता में वापस लौटने के आधार हैं क्या? इस पर से तीन बड़े आधार बताइए। सबसे पहले कुप्रशासन, इसकी व्याख्या करूं, छोटी सी व्याख्या, बड़ी ज्यादा नहीं। नंबर टू जी, महिलाओं पर अत्याचार। नंबर तीन, आकंठ डूबा हुआ भ्रष्टाचार। ये तीन आरोप इनके ऊपर हैं। आप कहें तो मैं इनकी व्याख्या भी कर सकता हूं। हम तीन जो दावे हैं आपके दावे, इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राजेश जी, 10 साल शासन में रही बीजेपी, लेकिन हैट्रिक लगाना क्या इतना आसान दिख रहा है आपको बीजेपी के लिए? देखिए, कोई भी चुनाव हो जब होता है, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ की दो दलीय व्यवस्था होती है, वहाँ पर हैट्रिक लगाना एक बहुत आसान काम नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि इस सरकार ने क्या किया, ये एक अपनी चीज होती है, क्या नहीं किया और क्या नहीं कर सके, ये मुद्दा ज्यादा वो काम करता है। मतदाताओं के बीच में एक नकारात्मकता का भाव हमेशा रहता है कि जो नहीं हो पाए, जो हुआ उसके लिए तो वो एंटी इनकमबेंसी की बात करें। यस, एंटी इनकमबेंसी जो है वो दो तरह की होती है, एक तो स्टेट लेवल पर भी होती है और एक लोकल लेवल पर भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल का जो अभी तक जो फीड मिल रहा है, तो वो लोकल इनकमबेंसी का फैक्टर ज्यादा है। जो यहाँ पर स्टेट लेवल पर इनकमबेंसी है, वो फैक्टर इसलिए इनडायरेक्टली जिम्मेदार हो रहा है कि उसने उस लोकल इनकमबेंसी को कहीं से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की या उसको कम करने की कोशिश नहीं की, तो ये सीधा नहीं आता। 2003 का जब चुनाव हुआ था तब वो इनकमबेंसी की शुरुआत सीधे ऊपर से शुरू हुई थी, श्यामला हिल्स के बंगले से शुरू हुई थी और वो नीचे तक गई थी, और नीचे तब कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल मायूस और रूठा हुआ बैठा हुआ था। इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। यस, इस बार ये बदला है 2003 और 13 का कि खतरे की घंटी है शिवराज जी के लिए, श्यामला हिल्स के लिए। देखिए, राजनीति है तो खतरे की घंटी तो सदैव रहेगी, और उसमें चुनाव है तो और बड़ी खतरे की घंटी होती है। लेकिन इनसे जूझना, इनसे चुनौतीपूर्ण
सामना करना, यही राजनीतिक दल का काम होता है। और उस नाते हम एक दल के नाते हर चुनौती पर उसको अवसर में बदलने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए चुनौतियां सामने हैं और उससे लड़ने की ताकत भी भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन चुनौतियों से ज्यादा दावों की बात करते हैं। अब झा साहब ने 3 दावे बताए थे, महिलाओं से रिलेटेड, दूसरा दावा था किसानों से रिलेटेड, और तीसरा दावा एसटीएससी यानी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश। कुछ जनता के सवाल है, जनता के सवाल लेते हैं। प्रभात झा से एक ही सवाल है कि आपने जो शिक्षा में जो सबसे बड़ा घोटाला करा, प्रदेश के इतिहास में नया इतिहास रच दिया यापम द्वारा, बीयू द्वारा और इसके द्वारा, और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, भोपाल में 140 कॉलेज के बाद आप 140 लोगों को नौकरी नहीं देते, और हमारे बच्चों के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय करा और इतनी टेक्निक से मारा कि हमारा बच्चा जो था 1% और 2% से मार के आपने उनका भविष्य रोक दिया। अगर किसी को पढ़ाई का सवाल है, मेजर सवाल है, किसी को रोजगार मिलता है, ये पूरा घोटाला जो सामने आया, लगता है अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, मगर आपने हमारे सब बच्चों को काबिल होते हुए वहीं का वहीं रोक दिया, चलने लायक वाले बच्चों को लंगड़ा कर दिया, देखने से मजबूर कर दिया, और बहुत बड़ी मार मारी शिक्षा के इतिहास में बीजेपी ने, मतलब इस घोटाले में जो बापन द्वारा आपने 9 साल से करा, इतिहास रच दिया आप गिनीज बुक बिल्ड में, भले वहां पे आपने इतना 150 करोड़। बिल्कुल, इनका सवाल सीधा है, कहीं ना कहीं व्यापम में जो घोटाला हुआ है, और हालांकि इसकी लपट जो है सामना हिल्स तक उठने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस घोटाले की बात कर रहे हैं, बच्चे जो है, छात्र जो है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। घोटाला उजागर किसने किया? क्या घोटाला सरकार ने किया? क्या घोटाला उजागर सरकार ने नहीं किया? क्या घोटाला उजागर में कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या कोई कार्रवाई करने के पीछे कोई साजिश कर रहा है क्या? सवाल यह है कि घोटाले तो सदैव होते रहे और होते रहेंगे। अगर सरकार की नीयत ठीक है और कार्रवाई हो रही है तो सरकार की नीयत पर शंका नहीं की जा सकती। कार्रवाई हो रही है। दूसरा एक और सवाल लेते हैं। आदरणीय प्रभात झा साहब, आपने कहा कि हम किसानों के लिए, तो आपने अटल ज्योति अभियान की योजना बनाई थी, उसने आपने कितने घंटे किसानों को बिजली दी? सच्चाई में कितनी थी, गांव में कितनी थी, आप उसको बताएं। और उसके जो बिल आ रहा है जनता पे किसानों के ऊपर, मैं भी आपसे 3 सवाल करूंगा। तो किसानों के लिए आपने अभी इसमें कितना काम किया और आज किसान की क्या हाल है, उसका जवाब दें। दूसरा मेरा सवाल है कि 2006 में रतनगढ़ के अंदर एक हादसा घटा था जो 57 लोगों की जान गई थी, और उसमें जांच के आदेश हुए थे, वो जांच पटल पे क्यों नहीं आई? अगर वो जांच आती तो आज जो हादसा हुआ तो वो हादसा नहीं होता। 8 घंटे से अधिक गांव में बिजली खेती के लिए दी जा रही है, शहर में 24 घंटे बिजली अटल ज्योति अभियान के तहत दी जा रही है। इक्का दुक्का जगह फॉल्ट के कारण कुछ बातें होती होंगी, लेकिन बिजली पहले से 2003 से आज 2013 में बहुत बेहतर है, यह कहने का गौरव में डंके की चोट अपने सीने को थे कर कह सकता हूं। दूसरा आपने कहा कि कितने घंटे, मैंने कहा 8 घंटे। फिर आप आ गए रतनगढ़ पर, रतनगढ़ की रिपोर्ट का क्या हुआ? यह एक पेचीदा मामला है, कानूनी मामला है, हाईकोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेकर कहा है, सरकार ने इस बात को क्यों नहीं बताया? मैं इससे सहमत हूं कि सरकार को बताना चाहिए और डंके की चोट बताना चाहिए, लेकिन ऐसे घटनाएं कैजुअलिटी जो होती है वो नेचुरल कैलेमिटी होती है, नेचुरल घटनाएं होती हैं, इसमें किसी व्यक्ति का जोर नहीं चलता है। रामेश्वर नीखरा जी के भी 3 दावे थे कि उनकी पार्टी सत्ता में क्यों आनी चाहिए, कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है। रामेश्वर नीखरा जी के लिए अगर कोई सवाल है तो हाथ ऊपर उठा। दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने अभी अपने 3-3 मुद्दे बताए, क्या इनमें गरीबों का मुद्दा नहीं है, कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, मजदूरों का मुद्दा नहीं है? क्या सदैव चुनाव जाति आधारित होंगे, भ्रष्टाचार आधारित होंगे, रोटी कपड़ा मकान पे नहीं लड़े जाएंगे? जो आम जनता है उसके मुद्दे इसमें क्यों नहीं जोड़े जाते? आपके तीन बड़े मुद्दों की बात हो रही थी, इसीलिए उन्होंने 3 बड़े मुद्दे सामने रखे। ये 3 मुद्दे जो है जनता के वोट, हम आपका मुद्दा उठाएंगे, भ्रष्टाचार की कार्रवाई की यदि बात करते हैं, भ्रष्टाचार आजकल एक आम व्यवस्था हो गई है, कम से कम भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। उन मुद्दों से भटक के जो रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, युवा और गरीब, आम जनता की जो समस्या, उसको यहाँ उठाकर उसके निदान की यदि मंच पे बात होगी तो वो स्वागत योग्य होगी। नीखरा जी से सवाल आ रहा है। नीखरा जी ने अभी एक बात कही कि हम सुशासन देंगे। सुशासन पहले कांग्रेस 10 साल रही थी, क्या वो स्थिति वापस निर्मित करने जाएंगे, वैसा सुशासन देंगे? 10 साल कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के शासन जो है 10 साल के, नीखरा जी वो भारी पड़ते नजर आते जब भी बात आती कांग्रेस की वापस लौटने की। देखिए, दिग्विजय सिंह का शासन काल जो था
उसका फैसला 2003 में प्रदेश की जनता ने कर दिया, और उसी का नारा देते देते इन लोगों ने 2008 में आ गए, और अब 2013 में फिर वही बात कही जाए। आज दिग्विजय सिंह पटल पर नहीं है, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आने वाले हैं, वो 100 बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नई लीडरशिप आ गई है, हमने पुराने कुछ निर्णयों से बहुत सीखा है, तो हम किसी भी कीमत में उन निर्णयों को दोहराने की कोशिश भी नहीं करेंगे। नहीं आएंगे तो अगर मध्य प्रदेश में नहीं आने से ही क्या सुशासन मध्य प्रदेश में आ जाएगा? दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्तर पर राय दिग्विजय सिंह किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में लौट करके नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय नेता है और वो पार्लियामेंट की राजनीति में जाने के इच्छुक है, और उन्होंने घोषणा की है अगर पार्टी हमें सुषमा स्वराज के खिलाफ लड़ाती है तो हम सबसे पहले वहां जाएंगे। सिरोठिया जी को पूछना चाह रहे हैं। निखरा जी, मेरा एक छोटा सा शंका है इसमें कि हमेशा ये माना जाता है कि मतदाता की जो स्मरण शक्ति है वो 5 साल से ज्यादा रहती नहीं है, और मतदाता की स्मरण शक्ति कमजोर होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा एक PhD और शोध करने का विषय है कि इस मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को नहीं भूल पाती। मैं जहां भी बात करता हूं तो वो 10 साल का शासन हमेशा लोगों को रह के याद आता है। जब इस शहर में, भोपाल शहर में शाम को 6 और 7 बजे बिजली काटी जाती थी, जब यहाँ लड़कियां स्कूल से ट्यूशन से लौटती थी, ठीक है, और यही वजह यही वजह यही वजह सवाल जवाएगा तब करिए आपके, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा सवाल। तो एक ये बड़े शोध का विषय है, मैंने ये कि 10 साल बाद भी लोगों को रह रहकर दिग्विजय सिंह याद आते हैं, ये पार्टी को क्या लगता है कि आपको पार्टी के स्तर पर भी क्या इस बात पे चिंतन विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? और उनके साथ में अगर उनमें कुछ चीजों में अगर सब्जेक्टेड टू करेक्शन हर आदमी रहता है, हर आदमी में सुधार की गुंजाइश रहती है, तो क्या पार्टी के स्तर पर ये कोशिश कभी हुई है कि उनको कुछ समझाइश दी जाए या कुछ तरह से की जाए? राजेश जी, रामेश्वर जी जैसे वरिष्ठ नेता ने बहुत बेबाकी से कहा है, और मैं बधाई देता हूं आपको कि आगामी राजनीति में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी नहीं आएंगे, इसकी घोषणा बहुत ताकत के साथ इन्होंने की है, मैं इसके लिए बधाई, ऐसा कोई बहुत कम लोग ऐसे साहसी होते हैं जो बोल पाते हैं। चलिए रामेश्वर निखरा जी, लेकिन एक बात छुपा गए, उन्होंने तीन दावे किए, तीन बातें बताई कि कांग्रेस सत्ता में क्यों आना चाहिए, क्यों आएगी, किस आधार पर कांग्रेस सत्ता पर लौटेगी, लेकिन वो एक बात मैं आपको बताऊंगा वो एक बात क्या है, लेकिन फिलहाल लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे इस अपने खास पेशकश मेरा वोट मेरा मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं ईटीवी की खास पेशकश मेरा वोट मेरा मध्य प्रदेश। ब्रेक पर जाने से पहले रामेश्वर निखरा कांग्रेस के नेता, उन्होंने दावे किए थे, तीन दावे जिनके आधार पर कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन एक बात वो छुपा गए, वो एक बात मैं आपको बताता हूं, वो एक बात है कि सारे नेता, जितने दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो एक मंच पर आ गए, एकजुट हो गए, ये बात आप छुपा गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा विषय है। नहीं, मैं बात छुपा गया, मैं अपनी बात आपने कहने नहीं दी मुझे, अभी बहुत सारी बातें हैं। प्रभात झा सर के प्रबुद्ध आदमी जब सामने आ जाते हैं तो इनके सामने थोड़ी सी प्रबुद्धता का ध्यान रखा जाता है, दोंदा पेली का काम नहीं होता है इसमें। इसलिए मैंने वो सारे मुद्दे कहे। प्रभात झा ने, झा साहब ने जो महिला सशक्तिकरण की बात की उसके संबंध में 15 जून 2013 को इस प्रदेश के गृह मंत्री ने प्रश्न क्रमांक 510 में जो उत्तर दिया है, मात्र महिला सशक्तिकरण की वो पोल खोल देता है,
आधी कुल आबादी के ऊपर हम प्रश्न लेंगे। तो लीजिए कुल कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ आपसे भी, प्रभात झा से भी और जनता से भी। कुल बलात्कार 12 जनवरी 2012 से निखरा जी हम ये विषय लेंगे, हम ये विषय लेंगे, आप मेरी बात सुन लीजिए, जो उन्होंने जो दावे किए थे उसके हम ये विषय लेंगे, ले लीजिएगा बाद में। मैं एक बात लेंगे, हम ये विषय लेंगे। हमारे मित्र लोग जो है, चाहे मेरे हो चाहे प्रभात झा के हो, वो सावधान रहे कि हम दोनों बहुत समझदार लोग हैं, किसी प्रकार से ऐसी बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक बात भी हम बोलेंगे तो उनकी पकड़ में आ जाएगा, वो बोलेंगे तो हमारी पकड़ में आ जाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से सावधान हैं। अब विधानसभा चुनाव में बहुमत आए ना आए, यहाँ बहुमत जरूर दिखता है निखरा जी के साथ, मगर लेकिन फिलहाल यहाँ बहुमत जरूर दिखता है निखरा जी के साथ, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रभात जी, पूरी जो बीजेपी है, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं फिलहाल, पूरी बीजेपी ब्रांड शिवराज, शिवराज की छाया के नीचे दिख रही है। आपको क्या लगता है एक ही चेहरे के सहारे आप ये चुनाव जीत जाएंगे? नेता एक होता है और नेतृत्व सदैव एक होता है, रिमोट एक के हाथ में होता है, अगर टीवी पे कुछ देखना है सब लोग रिमोट ले लेंगे तो टीवी फूक जाएगा। कांग्रेस में भी 7 लोगों ने रिमोट पकड़ा हुआ है और टीवी फूक रही है, कुछ चैनल पर दिख नहीं रहा है, इसलिए नेतृत्व एक और विकल्प अनेक। चेहरा भले ही एक होगा लेकिन विकल्प अनेक है। विकल्प कौन है? विकल्प जब तैयारी होगी, यह हमेशा कहा जाता है। देखिए जब इंदिरा जी नहीं रही तो विकल्प रहा कि नहीं रहा? सेकंड लाइन लीडरशिप है कहां? सेकंड लाइन लीडरशिप लाइन लगी हुई है। आप किसका चाहते हैं? मैं एक नहीं अनेक लोगों का नाम ले सकता हूं। नाम लीजिए। मैं आवश्यकता नहीं, आज मैं इसमें विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नेतृत्व सदैव एक होता है और उसके विकल्प अनेक होते हैं, विकल्प बार बार मिलता है। सिरोडिया जी से मेरा एक सवाल है, मोदी जी की बात करें, वसुंधरा जी की बात करें, या फिर रमन सिंह जी की बात करें, या शिवराज जी की बात करें, ये सारे तमाम नेता पार्टी से काफी बड़े हो गए, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ एक ब्रांड, सिर्फ एक ब्रांड क्या ये सारी कमियां छुपा देगा? बीजेपी का अंदरूनी सर्वे की बात करें तो बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में भी जो मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के, जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ बड़ा जनाक्रोश है। देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये होता है कि चेहरा तो होता है, चेहरा हर पार्टी के साथ होना चाहिए, कांग्रेस के साथ भी एक चेहरा होना चाहिए था जो कांग्रेस अभी तक टाल दी आ रही है, क्योंकि जनता को ये तो पता है कि वो कांग्रेस की सरकार लाना चाहते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ज्योतिराय सिंधिया बनेंगे या कांतिलाल भूरिया बनेंगे या अजय सिंह बनेंगे या कोई और नेता जो है वो कठपुतली के सहारे किसी और को बना देगा, दिल्ली में चल रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये, तो दूसरी बात ये है कि जो बाकी जो प्रत्याशी जीतते हैं कांग्रेस में, खासतौर से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस में पार्टी से ज्यादा जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ और पराक्रम रखते हैं प्रत्याशी, वो अपने बूते पे जीत के आते हैं, उनको पार्टी का सपोर्ट अब उतना नहीं मिल पाता जितना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलता है, ये बिल्कुल स्पष्ट वो है। जहां तक निखरा जी ने कुप्रशासन वाली बात उठाई थी और वो सवाल सबसे पीछे से आया था रतनगढ़ वाला, एक बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव मैटर है। इस मैटर में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2006 में जब ये 14 अक्टूबर को हादसा हुआ था, इसकी फरवरी 2007 में जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, कचरे के डब्बे में चली, और उस रिपोर्ट की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आमतौर पर मैं चूंकि जुडिशियल उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो जुडिशियल रिपोर्ट आती है उन रिपोर्ट्स में यही लिखा होता है कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, और उसमें कोई किसी व्यक्ति को इंडिक्ट नहीं किया जाता व्यक्तिगत रूप से। लेकिन उस 2007 की रिपोर्ट में एक आईएएस ऑफिसर कलेक्टर जो एम गीता, मैं उनका नाम भी ले रहा हूं, और वहां के जो एसपी थे उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ ही आपराधिक लापरवाही का मुकदमा चलाने का सिफारिश की गई थी। लेकिन नौकरशाही, जो प्रशासन की जो बात कर रहे हैं, नौकरशाही जब हावी होती है तो वो जो है ऐसे अफसरों के खिलाफ जो कि जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें 57 लोगों की जानों के जोखिम में हुआ, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो कभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया जा साहब, ये बड़ा आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के सरकार के ऊपर नौकरशाही काफी हावी है, जनता के साथ न्याय नहीं होता। देखिए कुछ हद तक आप मान सकते हैं लेकिन इसको 100% सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर नौकरशाही हावी होती तो सरकार की अपनी नीतियां हैं, सरकार जो चाहती है, जो निर्णय करती है, जो फैसला करती है कि 24 घंटे बिजली तो उसको मानना ही पड़ता है, लाडली लक्ष्मी योजना देना है तो देना ही पड़ता है, जननी सुरक्षा योजना चलाना है तो चलाना ही पड़ता है,
अगर हम कहते हैं कि किसान को 150 रुपए बोनस देना है तो देना ही पड़ता है। अब ये जो निर्णय है, ये निर्णय हर हालत में करने पड़ते हैं, और इसलिए ये मानना कि नौकरशाही, हाँ मैं रतनगढ़ के मामले में अभी राजेश जी ने जो बात कही है उससे बहुत तरह से, अगर कोई रिपोर्ट थी, जुडिशियल इंक्वायरी थी, तो उसको लाना चाहिए था, उसको कहीं छुपाने की बात नहीं करनी चाहिए थी, और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि अगर कहीं ना कहीं कोई लेतलाली बरती गई तो आने वाले दिनों में ऐसी लेतलाली नहीं होनी चाहिए, ये मानने में कोई एतराज नहीं है मुझे। अटल एक विषय सिरोठिया जी उठा रहे, देखिए बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, कार्यक्रम अभी काफी बाकी है। ये अटल ज्योति की जो बात प्रभात जी ने कही है इसका, हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए, अटल ज्योति की बात जो प्रभात जी ने कही है उसके पीछे जो एक अटल कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है उसके पीछे एक मैं कहानी आपको बताता हूँ, जो तकनीकी मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावी साल में आपको 2400 घंटे बिजली देने के लिए इतनी बिजली की व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन इनके जो अफसर थे उन्होंने उस बिजली को आपके घरों तक और खेतों तक पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, जो ट्रांसफार्मर जिस कैपेसिटी के लगाए जाने थे वो नहीं लग पाए हैं, उसके कारण टेक्निकल फॉल्ट हो रहे हैं। तो बिजली की कमी नहीं है लेकिन कई जगह खंभे नहीं, मैं आपको खंभे दिया जी, आपने आप 40 साल पुराने तारों पर आप उतना लोड दे देंगे, इसलिए बिजली कटौती। एक एक करके बात आने दीजिए, एक एक करके बात आने दीजिए। अगर बीजेपी की ओर से शिवराज जी को आगे किया गया, निखिला जी मेरा एक सवाल आपसे, बीजेपी की ओर से शिवराज जी को आगे किया, कांग्रेस ने सिंधिया जी को आगे किया है, लेकिन सिंधिया जी कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखे, तो प्रदेश में अभी फिलहाल उनका जादू कुछ दिख नहीं रहा। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के खिलाफ फैसला कर लिया जी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है प्रभात भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब विधानसभा चुनाव हो जाए या लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद दल की मीटिंग बुलाई जाती है, वो सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है या राज्यपाल विधानसभा में आमंत्रित करता है। अगर इस परंपरा को कांग्रेस पार्टी निभा रही है कि जब पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, जो भी बहुमत में विधायक आएंगे और वो विधायक दल का चुनाव होगा और वहां नेता चुना जाएगा, तो उसके पहले अगर आज हम कुछ भी घोषणा करते हैं या पार्टी घोषणा करती है तो संविधान के विपरीत काम करती है। हमारे यहाँ एक मिनट मेरा सीधा सवाल, मेरा सीधा सवाल ये है कि सिंधिया जी को आगे किया है लेकिन सिंधिया जी का जादू मध्यप्रदेश में नहीं दिख रहा है, मेरा सीधा सवाल ये है। अरे एक मिनट, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अरे एक बात, चलिए चर्चा थोड़ी गर्म हो रही है, चर्चा को थोड़ा ठंडा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं ईटीपी की खास पेशकश मेरा वोट मेरा मत प्रदेश। मेरा छोटा सा सवाल आपसे, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था, सिंधिया जी को आपने आगे किया है लेकिन उनका जादू नहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश में। सिंधिया जी का जादू दिख रहा है, जो देखना चाहते उनके लिए दिख रहा है। मैं अभी तीन मीटिंग में गया था, होशंगाबाद गया, करेली गया और सिवनी गया, और मैंने वहां देखा जिस ढंग से नौजवान आया हुआ था, हो सकता है कि वो नौजवान इंडिपेंडेंट हो सकता है कि वो नौजवान सिंधिया जी से प्रभावित हो सकता है वो नौजवान हमारा नाती हो या बेटा हो, ये हो, पर उस नौजवान की संख्या 95% थी।
तो जिस पार्टी के अंदर नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आकर के सिंधिया जी को सुन रहा है और आपको दिख नहीं रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे राहुल जी का पूछने का आशय ये है कि जब आपको लग रहा है कि सिंधिया जी इतने पॉपुलर लीडर हैं और वो यूथ को कैच कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं और पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जनाधार जुटा रहे हैं, तो आपको उनको ये आपको इनको विधायक दल का नेता नहीं चुन रहे हैं, लेकिन उनको आप एज ए शिवराज के चेहरे के सामने कि हमारा चेहरा सिंधिया का चेहरा है, इस करने में आपको हेजिटेशन क्या है? नहीं, हम एक महीने का समय बचा है, सुनिए हमारी बात, कितने विधानसभा का दौरा कर पाएंगे? हमारे हमारे लिए कोई हेजिटेशन नहीं है, पार्टी के लिए कोई हेजिटेशन नहीं है, और इसलिए पार्टी ने उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। तो यही कहते और भाई मोदी को भी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था बीजेपी ने, लेकिन अल्टीमेटली उनने देखा कि हाँ मोदी क्लिक कर रहे हैं, तो उनने कहा कि मोदी का चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष दूसरा होगा और मोदी हमारा भावी पीएम का प्रोजेक्ट होगा। प्रबुद्ध पत्रकार हैं आप, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मोदी को कैसे मोदी ने घुटना रख करके पार्टी पर अपने अपने आप को पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर कराया है। इसका मतलब यह है कि ज्योतिराय सिंधिया घुटना रखने की स्थिति में नहीं है? नहीं है, जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी आपसे ही जाना चाहूंगा, ये डेमोक्रेटिक एक महीने का निगरा जी नजीरे हैं जब लोगों ने घुटना रख के राज किया है, प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पर। एक बात सुनिए, घुटना रख के कभी नहीं बना कांग्रेस में मुख्यमंत्री, कभी भी नहीं। मैंने आपकी कलम को 2000 बार पढ़ा है और आपकी व्याख्याओं को पढ़ा है और मोदी पर भी आपकी व्याख्या को पढ़ा है मैंने, और किस ढंग से आपने लिखा हुआ है उसको भी पढ़ा है, पर मैं इस बात को नहीं बोलना चाहता हूँ कि किस ढंग से बीजेपी के अंदर क्या हुआ है, गोवा में क्या हुआ, फिर दिल्ली में क्या हुआ, फिर दूसरी जगह क्या हुआ, अडवाणी जी ने क्या कहा, मैं उस सब पर नहीं जाना चाहता। इसी यही पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जब अडवाणी ने आकर के शिवराज की बात की, निखिल जी आपको नहीं लगता कि सिंधिया जी को अगर ज्यादा वक्त मिलता तो शायद उसका ज्यादा असर दिखता? देखिए एक बात सुन लीजिए, जितना भी वक्त मिला है कांग्रेस के लिए और सिंधिया जी के लिए और सारे लीडर जिनका आपने जिक्र किया था एक मंच पे आने के लिए, उतने वक्त में ये हाल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला करके गला सलग बयानबाजी कर रही है। चलिए ये 25 नवंबर को साफ हो जाएगा सिंधिया जी का क्या असर है, कितना असर है, लेकिन अब वक्त है जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का। बात कर रहे हैं सुशासन की, बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, कुछ सवाल आ रहे हैं। मैं झा साहब से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, महिलाओं के कल्याण की बात कही, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से गत 10 वर्षों में 34,600 महिलाओं और बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हैं, इस संबंध में क्या कहना है? इसके अलावा पूरे देश में दुष्कर्म में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यानी कि आपके बिहार और उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने या पार्टी ने क्यों इसका खंडन नहीं किया या कोई आश्वासन जनता को क्यों नहीं दिया? जो डाटा है उसके अनुसार भी मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। पहली बात तो अत्याचार की बात जो हमारे मित्र ने कहा है उस पर ताली नहीं बजाना चाहिए, ये कोई गौरव की बात नहीं है, ऐसी घटना है, हर बात पर ताली बजाना उचित नहीं होता है, लेकिन नहीं ये शर्म का विषय है, ये इतना समय जवाब आने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये राजनीतिक आपका राजनीतिक नहीं है, बैठ जाइए, ये आपका राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, बैठ जाइए। अगर आप सवाल उत्तर चाहते हैं तो सुनने की ताकत भी रखिए, जवाब और ये जवाब आने दीजिए। ये एक डिबेट है, ये कांग्रेस और बीजेपी का मंच नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी का मंच नहीं है, ये डिबेट का प्लेटफॉर्म है। देखिए ये नारेबाजी नहीं चलेगी, ये आपका सियासी मंच नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप बैठिए जरा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपने जो कहा, देखिए पहले जवाब आने दीजिए, आपने बात कही है, घटनाएं समाज में सदैव से सनातन काल से घटती रही है, फिर वही बात मेरे को बोलने दीजिए, फिर वही मध्य प्रदेश सदैव आगे रहा है, मैं वो आंकड़े दे सकता हूँ दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल का, लेकिन ये उलाना नहीं है कि उस समय हुआ तो इस समय भी होना चाहिए। कुछ बातें गंभीरता से विचार करिए, कुछ बातों पर गंभीरता रखना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे। आपने कहा सरकार को उस पर कार्रवाई करना और सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन जब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सदैव घटती रही हैं उसके ऊपर सरकार सिर्फ कार्रवाई ही कर सकती है, घटनाएं रोक नहीं सकती। घटनाएं प्रिकॉशनरी कही जा सकती है,
कि रोकना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर घटना घटती है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। उसमें रेसों में हम पहले नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर आए, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं। अजय दुबे जी का एक सवाल है। राज जी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपकी सरकार के पास 24 घंटे पहले जानकारी आई थी, जब वो कल धार जिले में लड़की को मुंह काला करके घुमा। गलत जानकारी आप जी ने, एकदम गलत, एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पूरी तरह से गलत, एकदम गलत, कोई एविडेंस नहीं है। जहां तक झूठ बोलने के लिए, ये सिस्टम का फेलियर दिखता है। झूठ बोलने के लिए आए, आप झूठ बोलने के लिए आए, आप मुझे दबा नहीं सकते। जा साहब, कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं सामने, झूठ बोलने के लिए यहाँ आए साहब, जा साहब एकदम नहीं, कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर? निश्चित तौर पर इसे कोई अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, ये घटना कोई सरकार नहीं करवाती है, ये समाज में जो फैली हुई चीजें हैं वो करती है। सरकार यदि कार्रवाई न करे, सरकार तत्काल कोई कार्रवाई न करे, तो समझ में आता है कि सरकार दोषी है। घटनाएं तो सदैव होंगी, इसमें क्या बात है। चलिए छोड़िए, कांग्रेस की बात करते हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस कितनी सक्रिय दिखी है इस मुद्दे पर। चलिए महिलाओं की बात को लेकर के, मध्य प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस कितनी ज्यादा सक्रिय दिखी है ये बताइए। सवाल ये उठता है, कांग्रेस ने कौन सा ऐसा बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में खड़ा किया है? निखिल जी आप जवाब दीजिए, आपकी मानेंगे, आपके समर्थक हैं। नहीं, मेरे समर्थक नहीं, नहीं आपके समर्थक है, आपकी मानेंगे, मेरे समर्थक करवाइए। मेरे समर्थक नहीं है, जनता के लोग हैं। जनता के लोग नहीं है, आपके समर्थक है, आप आपकी अरे जनता के लोग हैं, यहाँ पीछे खड़े हैं वो भी, सारा करिए तो थोड़ा सा पीछे खड़े हैं वो भी जनता के लोग हैं। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर स्तर पर इन बातों को उठाया, और जैसे ही हम उन बातों को उठाते हैं, वैसे ही यहाँ से बयान आ जाता है कि बलात्कार पर सियासत हो रही है, लाशों पर सियासत हो रही है। जब भी ये मामले उठाए जाते हैं, हमारे प्रभात झा साहब तो सावधान रहते हैं, पर इनसे जो चार्ज लिया है, वो अध्यक्ष महोदय केवल एक ही भाषा बोलते हैं, ऐसा मैं करीब करीब 6-8 बार उनकी सुन चुका हूं। कांग्रेस ने हमेशा वो आवाज उठाई है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, सब जगह, और कांग्रेस की आवाज से कहीं ज्यादा इस प्रदेश के मीडिया ने उठाई है। मैं इस बात को मानता हूं, इसको स्वीकार करता हूं, पर कहीं भी इसमें सुधार नहीं आया। ये कहते हैं कार्रवाई होती है, कार्रवाई हमेशा प्रदर्शन के बाद, मीडिया के उठाने के बाद, उसके बाद जब बहुत ज्यादा छिछाले दर होने लगती है तब कार्रवाई होती है। और कार्रवाई भी कैसी होती है, टीटी नगर पुलिस थाना इसका गवाह है कि लोगों ने गड़बड़ियां की, आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए, वहां जाकर थाने के अंदर घुसकर टीआई को, डीएसपी को मारा, और उसके बाद पूरे थाने को सरोटिया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। निखराजी जो बात कर रहे हैं उन्हें सुनिए प्लीज। निखराजी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि बलात्कार की घटना चाहे भोपाल में गृहमंत्री के बंगले पर हो या दिल्ली में दामनी के कांड पर हो, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, इस पर बिल्कुल सियासत किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना कांग्रेस को ना भाजपा को। ये इस तरह के अनैतिक कृत्यों का मामला, चलिए सुशासन की बात कर रहे थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। अरे चलिए सुशासन की बात कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। 2003 में बीजेपी जो आई, देखिए मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा एक कारण जो बढ़ने का है, बाकी सब चीजों के कारण, कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामंती उसका इलाका रहा है, सामंतों का, चाहे वो बुंदेलखंड हो चाहे बिंद का हो, जहां पर शोषक समाज होता है और एक शोषित समाज होता है, शोषक समाज शोषित वो करता है। तीसरी कारण जो है, इस मध्य प्रदेश की जो डेंसिटी है, मध्य प्रदेश इलाका आबादी कम है लेकिन बहुत फैला हुआ है, तो ऐसे मौकों पर जहां पर शोषित और शोषक समाज रहते हैं, इस तरह की सामंतवादी प्रवृत्तियां जब काम करती हैं, देखिए ये बिल्कुल घिनौनी और आपराधिक और जो वैश्याना जो कृत्य है ये, और इसकी हर आदमी को निंदा करना चाहिए और इसको उतनी संवेदना से लेना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं इसको कि कांग्रेस या भाजपा, भाई अब अगर दामनी कांड हुआ तो उसमें शीला दीक्षित का क्या हाथ था, या मध्य प्रदेश में कोई हुआ, देखिए बिल्कुल बलात्कार के मुद्दे पर सियासत नहीं होना चाहिए। फिलहाल वक्त के ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर।
एक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटीवी की खास पेशकश मेरा वोट मेरा मध्य प्रदेश। हम बात कर रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दों की, सुशासन की, गवर्नेंस की। 2003 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो सड़क, पानी, बिजली तीन मुद्दों पर सवार होकर आई। अब बिजली को लेकर स्थिति सुधरी है जहां साहब, सड़क की बात करें सड़क को लेकर भी स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी कई जगह कई इलाकों में सड़क की हालत खस्ता हाल है। और दूसरा जो मुद्दा है पानी, वो तो भगवान ने काफी दे दिया है। सड़क को लेकर क्या कहेंगे, बिजली को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए बिजली तो हम 24 घंटे दे रहे हैं, जहां पर कुछ फॉल्ट है वो आगे जल के ठीक हो जाएगा। अब ये क्या बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, देनी पा रहे हैं? हाँ उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दे नहीं पा रहे होंगे लेकिन इसको आगे जाके ठीक करेंगे। और हमने जो कहा है बिजली महंगी हो गई है, लेकिन कल से बेहतर है बिजली महंगी हो गई है। जब आप परिवार की बात करें, अगर हर बात के उचकने की कोशिश मत करिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। जब कोई बात होती है उस पर जवाब बोलने दीजिए। इसलिए बिजली वाला मामला जो है हम 24 घंटे बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं। पानी, जहां आपने सड़क की बात की, 95,000 किलोमीटर सड़क, राजे, रजवाड़े, अंग्रेज, अफसर लेकर सब आजाद भारत के बाद की सियासत, जितनी सड़क नहीं बना पाई उससे दुगुनी सड़क इस बार उन्होंने बनाई है। बरसात में कुछ सड़कें खराब हुई होंगी निश्चित तौर पर। जनता से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं सड़कों का क्या? पानी वाली बात, सिंचाई, पानी तो भगवान ने दे दिया। सिंचाई पानी तो भगवान ने दे दिया, बिल्कुल दे दिया। जनता से पूछते हैं, मेरा निवेदन है माननीय प्रभात झा जी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश की। नरेला विधानसभा में आप जाइए, जितने मुस्लिम एरिया हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, वहां के रोडों में गड्ढे ज्यादा हो, गड्ढों में पानी हो, पानी में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखता है और वहां पर विधायक जी दिखे नहीं है। सड़क को लेकर के सवाल नहीं कर रहे, मुद्दे कुछ और सवाल लेते हैं। जनता से जुड़ा हुआ तीन मुद्दे आदरणीय प्रभात झा जी से पूछना चाहूंगा कि 2003 में जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस सत्ता में थी, तब आपकी पार्टी ने घोषणा की थी और नारा दिया था, हमें लाइए भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आपको देंगे। लेकिन ये उल्टा हुआ, 10 साल के अंदर भय, भूख और भ्रष्टाचार युक्त सरकार प्रदेश की जनता को मिली। क्या इसी नारे के साथ आप दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं? एक रुपये किलो चावल गेहूं देने की बात किसने की है? भूख से लड़ाई किसने की है? एक रुपये और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अब देखिए बोलने नहीं देंगे आप तो क्या होगा? अब इसके बाद बताइए, एक मिनट, एक रुपये और इतना ही नहीं, एसटी और एससी में जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनको छोड़कर 85% पीपुल ऑफ दी एसटी एससी, उसको एक रुपये गेहूं देने का घोषणा और उसके क्रियान्वयन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने, भूख की तैयारी की है। चलिए और दूसरा ये भय और भ्रष्टाचार के बारे में आपने कहा, मैं बता रहा हूं ना, 24 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, इस बार भी 14 मंत्रियों के खिलाफ, एक मिनट, लेकिन क्या एक भी आरोप सिद्ध हुआ है? फिर बैठिए, बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए आप बोलने दीजिए, आप मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं लगा सकते। गलत बात, जी बोलिए, बताइए आप मुझे बोलने दीजिए। 24 मंत्रियों के खिलाफ दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में आरोप थे, लेकिन हमने आज तक नहीं कहा, क्योंकि आरोप सिद्ध होना और अपराधी बनाना एक प्रक्रिया है। जब तक आप रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, अनुशंसा नहीं करते हैं, लोकायुक्त में आप मेरे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, मैं आपके खिलाफ शिकायत कर सकता हूं, कॉग्निजेंस लेकर वो नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन आरोप का सिद्ध होना तब तक नहीं माना जाता जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाए। इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और आरोप का सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। तो भ्रष्टाचार का जवाब ये है, भय और भूख, आपको मैंने तत्काल आपको कहा कि भय और भूख का जवाब एक रुपये गेहूं किलो देकर हमारे सरकार ने किया है। देखिए बात कर रहे हैं जनता से मुद्दे की, बिजली, पानी, बिजली और सड़क को लेकर के, ये बहुत ही आपत्तिजनक आपका हमेशा तर्क रहता है कि ये सदियों से चला आ रहा है और ये तो होता रहेगा, चाहे रतनगढ़ हो या भ्रष्टाचार हो या जो है बलात्कार हो। दरअसल ये बहुत शर्मनाक है ऐसा कहना। मेरा मानना यह है कि सुशासन देने की बात आपने कही थी और इसी के तहत आप सत्ता में आए थे, 10 साल से सुशासन कहाँ है? एक, और मैं केवल एक
पेंशन वाला कांड आपका जो इंदौर का है कैलाश विजयवर्गीय का, वो कहना चाहता हूँ कि उस मंत्री को तो आपने हटाया ही नहीं और उसकी जांच और जांच के उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मेरा सवाल निखरा जी से है कि जैसे आज ये सब 6-7 नेता दिख रहे हैं पिछले 1 या 2 महीने से, इसके पहले तो ये नेता दिखते नहीं थे, तो पिछले 10 साल से जो एक सशक्त विरोध या सशक्त विपक्ष देखना चाहता था जनता प्रदेश की, वो कहीं नहीं दिखाई दिया और जनता दबी कुचली रही पिछले 10 साल से। ये मजाक कब तक जनता के साथ चलता रहेगा? ये मैं जब्बार भाई से मैंने कोई भी बात जो होती है, जैसे रतनगढ़ वाली बात आई तो मैंने बहुत क्लियर कट कहा कि अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो उसमें सरकार को मानना पड़ेगा कि सरकार क्यों नहीं दी और इसमें हमको सरकार से बात करनी पड़ेगी। इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। जहां तक सुशासन का, हर सरकार चाहती है सुशासन की। और बात रही कांग्रेस की, बात आपने की, तो उसका जवाब तो रामेश्वर निखरा जी देंगे। लेकिन पारदर्शिता का सवाल नहीं, पूरी कोशिश करके कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और कहीं पर नहीं होती होगी तो जनता की बात। अजय दुबे से सवाल लेंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सरकार कितनी पारदर्शी है? सरकार का जवाब रामेश्वर जी से हम ले रहे हैं, लेकिन आप जी हम लेंगे। चलिए प्रभात जी, लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं नावलेकर जी, उन्होंने एडमिटेड ये स्टेटमेंट दिया है कि आपकी सरकार एविडेंस नहीं देती है मंत्रियों के खिलाफ। एक बात, आपके यहाँ मध्य प्रदेश सूचना आयोग पूरे भारत में इकलौता राज्य है जहां 1.5 साल से आरटीआई बंद है। क्या जब एविडेंस जनता को नहीं मिल रहा है, सरकार लोकायुक्त को नहीं दे रही, तो आप कैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी? आप पूरी तरह से गलत जानकारी दे रहे हैं, पारदर्शिता, आप एकदम गलत जानकारी दे रहे हैं, सीधा सीधा आरोप ये लग रहा है और गलत बोलने के लेकर आप यहाँ आए हैं। जैसा कहीं ना कहीं सरकार पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि सरकार पारदर्शिता नहीं रखती है। सरकार हर चीज में पारदर्शिता रखती है और उसकी कोशिश होती है। जहां तक बात इन्होंने कही लोकायुक्त की, वो बातें हम देखते हैं। अरे रामेश्वर जी को बोलने तो दीजिए, रामेश्वर जी को निखिला जी बोलेंगे। अरे हाँ, का जवाब दूंगा। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। देखिए हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। और ठीक है, देखिए हम आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे थे, हम आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे थे। किसी भी राज्य का विकास का पैमाना जो होता है वो उद्योग होता है, उद्योग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। हमारे साथ सर ये मेरा जवाब नहीं हुआ पूरा, 1 सेकंड आपका जवाब पिछले 5 मिनट से चल रहा है, 1 मिनट में पूरा कर रहा हूं, जवाब चल रहा है। एक मिनट और देखिए, आपका जवाब पिछले 5 मिनट चल रहा है, आपने जवाब साहब का जवाब तो दिया नहीं, सीधा सीधा दिया ना आपने जवाब जी, नहीं आपने जवाब साहब का जवाब सीधा सीधा जवाब दिया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सशक्त विपक्ष नहीं दिखा, जवाब दिया नहीं दिया, सशक्त विपक्ष नहीं दिखा, उनका ये कहना था, विपक्ष साथ में दिखने का कहना नहीं था। चुनाव नजदीक आते ही सारा विपक्ष एकजुट हो गया, ये सशक्त विपक्ष नहीं होता है। भाई विपक्ष की भूमिका क्या होती है? जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, वो विपक्ष होता है। जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ कि जहां तक लोकायुक्त की जो रिकमेंडेशन आती है, दिग्विजय सिंह जी के समय जब रिकमेंडेशन आई थी, सबसे पहले एक मंत्री हटे थे, दयाल सिंह तुमराची, उनका इस्तीफा कराया गया था। शिवराज सिंह चौहान जी के समय जुगल किशोर बागड़ी जो है वो लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर हटे थे। मड़ोताल कांड में भी लोकायुक्त ने रिपोर्ट की थी तो उसमें प्यारेलाल कंवर, बीआर यादव, राजेंद्र सिंह, इनके ऊपर उंगली उठी थी। और जो अभी ट्रेजर आइलैंड का इंदौर का जो मामला हुआ है उसके मामले में चौधरी राकेश सिंह जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और दिग्विजय सिंह, इन दोनों के ऊपर लोकायुक्त नहीं कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा कायम किया गया है और उसकी कार्रवाई चल रही है। जी थैंक यू। चूंकि आप पत्रकार हैं इसलिए आपको याद रहता है, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। उमा भारती यहाँ पर आई, उन्होंने 100 दिन का नारा दिया, जनता ने उसकी बात की, उनकी बात को माना, आपने उसको 6 महीने के अंदर खो कर दिया। फिर आप ले आए बाबूलाल गौर के लिए, सुनिए तो, बाबूलाल गौर उमा भारती में संघर्ष चल रहा था, अडवाणी जी ने रेफरी बन के फैसला कह दिया कि दोनों लड़ रहे हैं ग्लोब पहन के
और शिवराज जी थे और शिवराज जी को ले आए। ये आपका करिश्मा जो है झा साहब, ये आपकी पार्टी ये सब करिश्मा कर सकती है, हम लोग ये करिश्मा नहीं कर सकते हैं। ये करिश्मा 8 साल से दिख रहा है एक मत पर, और अब ये नहीं दिख रहा है। और रामेश्वर जी जब आपको लग रहा है कि अब सरकार फिर से ईटीवी के खास पेशकश मेरा वोट मेरा मध्य प्रदेश में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी खास पेशकश मेरा वोट मेरा मध्य प्रदेश के साथ और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और जानेंगे जवाब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का।